राइट फ्रेंड्स, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इज योर क्वेश्चंस, राइट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक मेरी बात ध्यान रखनी है, कभी भी मैं आपको बोलूँगा एक्चुअल लॉस ये आपका क्या होगा, नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस। कभी भी मैं आपको बोलूँगा एक्चुअल लॉस, तो एक्चुअल लॉस का मीनिंग क्या रहेगा, नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस, या एक्चुअल लॉस इक्वल टू नॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन। आपका क्या रहेगा, एक्चुअल लॉस इक्वल टू नॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन इक्वल टू आपको एक्चुअल लॉस मिलेगा, या एक्चुअल लॉस इक्वल टू नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस। ध्यान आपको भी रखना है, कभी भी आपका क्वेश्चन है सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है जस्ट ट्राई टू अरेंज इनटू द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के बाद आपको स्टेप 1 स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेप नंबर 2 स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, स्टेप नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टेप नंबर 4 प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस, दैट्स इट। ओके, आप जरा देखिए, अब वापस से स्टार्ट करते हैं अपन। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 आप लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड पेज नंबर 40, ये आपके क्वेश्चन बुक का है, क्वेश्चन बुक जो मैंने आपको दी है। ओके, सही है सोनो फ्रेंड्स, एंड देन उसी का सॉल्यूशन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन आपका मिलेगा आपको 7.10, दिस इज योर सॉल्यूशन बुक। ये मैंने क्यों अलग अलग रखे थे, ताकि क्या है, कभी कभी आपको अगर बिना सॉल्यूशन बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व करने तो आप आराम से कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन आपको बिना सॉल्यूशन के भी कभी आपको करने हैं तो आप कर सकते हो, उसके लिए ये मैंने आपको बनाया। आर यू फॉलोइंग फ्रेंड्स, यस और नो करके ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन बुक और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन बुक पे 7.1। अब आप आराम से 1 by 1 आ जाइए। During a month 40,000 units were introduced into process A. During a month 40,000 units were introduced into process A. The process cost was direct material 3,02,000, direct wages 2,07,000, factory overhead 50% of direct wages. 50% of direct wages. याद है आपको, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था बेसिक कंसेप्ट में, देयर आर 4 मेथड्स फॉर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। बोलो कौन कौन से, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, बोलो सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर, एंड फोर्थ एनी अदर मेथड, एनी अदर मेथड। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, उसमें अपन क्या करते थे, रिकवरी रेट इक्वल टू बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड यूनिट। सेकंड में अपन क्या करते थे, रिकवरी रेट इक्वल टू बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड आवर्स। थर्ड में रिकवरी रेट इक्वल टू बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड डेज, बजटेड वीक्स, मंथ्स और एनी अदर मेथड, ये आपको दे रखा था। सही है सुनो फ्रेंड्स, तो ये आपका कौन सा है, ये आपका है एनी अदर मेथड इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। मीन्स आपका फैक्ट्री ओवरहेड रहेगा 50% ऑफ वेजेज। ये कैसे निकाला होगा, रिकवरी रेट सपोज आपका वो फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाई वेजेज है, फैक्ट्री ओवरहेड 50 रहा होगा, वेजेज 100 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 50%। तो जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द मंथ 40,000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस इनटू प्रोसेस ए। द प्रोसेस कॉस्ट वाज डायरेक्ट मटेरियल 3,02,000, डायरेक्ट वेजेस 2,07,000, फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ डायरेक्ट वेजेस 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। द नॉर्मल लॉस वाज एस्टिमेटेड एट 10% ऑन इनपुट। आपका नॉर्मल लॉस कितना रहेगा, 10% ऑफ इनपुट। एट द एंड ऑफ मंथ 32,000 यूनिट्स वर हैव बीन प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। 5,000 हैव बीन स्क्रैप्ड, स्क्रैप्ड हैड बीन कंप्लीटली प्रोसेस्ड एंड रियलाइज्ड एट द रेट ऑफ ₹5 एंड 3,000 यूनिट्स वर इनकम्प्लीट एंड द स्टेज ऑफ कंप्लीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज यूनिट्स आर मटेरियल 75%, Managerial 75%, labor 50%, overhead 50%. Find out equivalent production, cost per unit, value of output to be transferred and so the necessary account. मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी क्वेश्चन है इक्विवेलेंट का, कभी भी इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है आपका वर्किंग नोट नंबर 1 क्या हो जाएगा, दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1. ये आप जरा ध्यान से करिए. During a month 40,000 units introduced into process A. This is your process A. Process A input of 40,000 units. Out of this there is a normal loss expected output, normal loss 10% of 40,000 is 4,000 units, expected output 36,000 units. Out of this there is a closing WIP आपको दे रखा है, closing WIP 3,000 units, expected finished goods 33. Okay, but actual 32, and that's why there is a abnormal loss of 1,000. So yes or no friends. सबसे पहले आपका working note number 1 प्रोसेस ए इनपुट 40,000, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ 44,000, एक्सपेक्टेड आउटपुट 36. उसमें से डब्ल्यू आई पी आपको दे रखा है 3 एंड डब्ल्यू आई पी का लेवल ऑफ कंप्लीशन है आपका मटेरियल लेबर ओवरहेड एंड दिस कम्स टू 75 देन 50 एंड देन 50. एक्सपेक्टेड आउटपुट आपका क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट आपका 33, एक्चुअल आपको मिल रहा है 32 एंड दैट्स वाई देयर इज ए एबनॉर्मल लॉस ऑफ 1,000. ये आपका लेवल ऑफ कंप्लीशन. अब मैंने आपको बताया था एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस क्या दे रखा है इसमें देखो जरा क्वेश्चन में, 5,000 यूनिट्स एक्चुअली स्क्रैप्ड, 5,000 यूनिट्स हैव बीन स्क्रैप्ड. इट मीन्स 4,000 इज ए नॉर्मल लॉस एंड 1,000 इज ए एबनॉर्मल लॉस. ये मिलके आपका क्या हो जाएगा 5,000. 5,000 आपका क्या है एक्चुअल लॉस. आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल. ये 4,000 और ये 1,000 मिलके आपका क्या हो जाएगा 5,000. तो ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. आपको हमेशा आगे चल के जब मिसिंग फिगर के क्वेश्चन रहेंगे, आगे चल के जब मिसिंग फिगर के क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको ध्यान रखना है इनपुट मेरा सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है. इनपुट 40, इनपुट में से देयर इज ए नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस मेरा कितना है 4, एक्सपेक्टेड आउटपुट 36, क्लोजिंग WIP 3, एक्सपेक्टेड फिनिश 33, एक्चुअल 32 एंड मेरा एबनॉर्मल लॉस कितना आ जाएगा, माई एबनॉर्मल लॉस विल बी 1,000. सही है सर, परफेक्टली क्लियर. अब इसके बेस पे ही हम लोग क्या बनाएंगे, दिस इज क्लियर ऑन, इसके बेस पे हम बनाएंगे आपका स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 स्टेटमेंट शोइंग हाँ चल हैप्पी जर्नी बाय. ऑलराइट फ्रेंड्स, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इनपुट पर्टिकुलर्स आउटपुट मटेरियल लेबर ओवरहेड, परसेंटेज क्वांटिटी परसेंटेज क्वांटिटी परसेंटेज क्वांटिटी। ये फॉर्मेट आपको बाय हार्ट होना चाहिए। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इनपुट, हमारा इनपुट कितना था, $40,000। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स हमारा कितना है फ्रेंड्स, बोलो, 40 इज योर इनपुट। फिनिश गुड्स आपको दे रखा है 32। किसी भी गुड्स को फिनिश गुड्स कब बोलेंगे, 100% कंप्लीट इन केस ऑफ मटेरियल, 100% कंप्लीट इन केस ऑफ लेबर एंड 100% कंप्लीट इन केस ऑफ overhead. Then you go to your closing WIP. आपका closing WIP है 3000, level of completion 75, it means 3000 into 75 is 2250, 50%, 1500, 50%, 1500. Then normal loss, what your normal loss is 4000, output तो हुआ but equivalent to finished goods आपका क्या हो जाएगा 0, and then आपने डाला है 40 और आपको output कितना आ रहा है समझने के लिए 32 + 3 + 4 is 39, 34,250, 33,500, 33,500। हमने डाला है 40, आउटपुट आ रहा है 39। ऐसा कैसे हो सकता है, हमको ऐसा नहीं चाहिए। इट मीन्स एड एबनॉर्मल लॉस 1000, 40,000। किसका लॉस हुआ है, फिनिश गुड्स का, 100% 1000, 35,250, 100% 1000, 34,500, 100% 1000, 34, and 500. Say yes or no? Perfectly clear or no? Statement showing equivalent production, input, particulars, output, material, labor, overhead, percentage quantity, percentage quantity, percentage quantity. Input 40,000, finished goods 32, 100% 32, 100% 32, 100% 32. Closing WIP 3,000, 75%, 50%, 50% is given. Then आपका normal loss 4,000, level of completion आपका क्या रहेगा 0. एंड देन यू गो टू, आपने डाला कितना था 40, आपको आ रहा है 39, 34,500, 33 एंड इट मीन्स एबनॉर्मल लॉस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं भी दिखाते हो, ये वाला, ये कैलकुलेशन अगर आप नहीं दिखाते हो तो भी चलेगा। सही है सुनो फ्रेंड्स, एबनॉर्मल लॉस को आप ऐड कर दीजिए और एबनॉर्मल गेन रहेगा तो आप माइनस कर दीजिए। एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस समझा देता हूँ। इज दिस क्लियर? उसके बाद आपका आएगा फ्रेंड्स, दिस इज योर स्टेप नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग cost per unit. Okay, it means total cost divided by equivalent production cost per unit materials. 3,02,000, रियलाइजेशन फ्रॉम ओनली नॉर्मल लॉस, एक्चुअल लॉस आपको 5000 हुआ है तो 4 बिकेगा आपका एज ए नॉर्मल लॉस और 1000 बिकेगा आपका एज ए एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पे 5 डिडक्ट नहीं कर सकते, वाई? बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, our objective is to find out what is the normal cost of production. It means whenever there is a loss because of your own mistake, that loss you can't recover from the customer, or if you are going to recover you cannot survive because your cost of production will increase. It means our normal loss kitna tha? 4000. What is the sale value of that normal loss is 5 rupees comes to 2. It means 3,02,000 minus 20 is 282. Labor overhead. Overhead 50% of labor. Fourth method for recovery of overheads. It means labor 2,07,000 and 50% of 207 का 50% इज 103,500 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. व्हाट इज योर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज 35,250, 34,500, 34,500. 35,250 इन केस ऑफ मटेरियल, 34,500 इन केस ऑफ लेबर, 34,500 इन केस ऑफ ओवरहेड. ओके, सो 35,250, 34,500, 34,500. सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको सब कुछ दे रखा है, जस्ट आपको कॉन्सेंट्रेट करना है. छोटी मोटी कोई नोट्स लिखने तो आप लिख सकते हो. 282 डिवाइडेड बाई 35,250 इज 8 रुपीज़ पर यूनिट. 2,07,000 डिवाइडेड बाई 34,500 इज 6. 103,500 divided by 34,500 is 3. Statement showing cost per unit. Cost per unit means you take total cost divided by equivalent production CPU. Materials 3,02,000 minus realization from normal loss. यहाँ से उसको पता चलेगा कि you are from Dani Ki Costing. क्योंकि कोई भी स्टूडेंट बोलेगा अरे 5000 का लॉस, और 5000 का लॉस माइनस नहीं कर सकते बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो नॉर्मल लॉस से जो रियलाइजेशन है आपको वही माइनस करना है. ओके, तो आपका 2 नॉर्मल लॉस 282 आ जाएगा डिवाइडेड बाई आउटपुट, लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट, आपका कॉस्ट पर यूनिट ये. Yes or no? Perfect. Go to this is your step number 3. Statement showing valuation. Finished goods, quantity, cost per unit, total, material, labor, overhead. आपको पूरा लिखना है, material पूरा, labor पूरा, overhead पूरा. मैं खाली शॉर्टकट मार रहा हूँ, आपको सब कुछ आपको प्रिंटेड नोट्स में दे रखा है. इट मीन्स 32 आपका कॉस्ट पर यूनिट है. आपका कॉस्ट पर यूनिट क्या आया था फ्रेंड्स? 8,6,3 8,6,3. इट मीन्स 32,000 इंटू 8 256, 32,000 इंटू 6 192, 32,000 into 3 96. Total 256,192,96 is 5 lakh 44,000. Then you go closing WIP, material, labor, overhead. What is your closing WIP? Is material 2250, labor 1500, overhead 1500, 863. 2250 into 8, 18,000. 1500 into 6, 9,000. 1500 into 3, 18,000. 9,000. 4500. 31,500. Then you go to valuation of abnormal loss, material, labor, overhead. What is the abnormal loss? 1,000. Your cost per unit will be 863. आपका जो लिखने का टाइम है वो काफ़ी सेव हो जाएगा. तो यू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन कंसेप्ट, राइट. 8,000, 3,000, 8,000, 6,000, 3,000 is. पहला आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स 544, देन आपका 31,500 एंड देन 17,000. सही है सुनो फ्रेंड्स. एंड देन गो वेरी सिस्टमेटिक ना. फिर आपका आ जाएगा दिस इज योर स्टेप नंबर 4. Process account. ये आपका particulars, quantity, amount, particulars, quantity, amount. To material, to labor, to overhead. How much is the input? 40,000, 3,02,000, 2,07,000, 1,03,500 by. क्या बोल रहा है? 32,000 यूनिट्स been produced and transferred to process B by process B. जो finished goods का valuation आया है 32 हम लोगों ने ये कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी? टू प्रोसेस B. ये कहाँ चला जाएगा? फिनिश गुड्स. आउटपुट ऑफ प्रोसेस A, आउटपुट ऑफ प्रोसेस A बिकम्स द इनपुट ऑफ प्रोसेस B. ओके, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा B. 32 का क्या आया था आपने? 5,44,000 बाय क्लोजिंग WIP 31,500. क्लोजिंग WIP आपका है 3,000 एंड 31,500 बाय नॉर्मल लॉस 4,000, 20,000 एंड बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 1,000 एंड 1,000 का इज 17,000. से आपका क्या होगा? प्रोसेस अकाउंट टैली 40,000, 3,02,000 प्लस 207 प्लस 103 500 612,500. 5,44,000 plus 31,500 plus 20,000 प्लस 70 612,500 32 plus 3 plus 4 plus 1 is 40,000. Then you go your normal loss account and then you go abnormal loss account. It means to process A account. ये आपका कौन सा है? प्रोसेस A. टू प्रोसेस A अकाउंट कितना लॉस है अपने पास? नॉर्मल लॉस है 4,000, जिसका वैल्यू है 20. एबनॉर्मल लॉस है हमारा 1,000, जिसका वैल्यू है 70. अब वो बोल रहा है ना, जैसे 5,000 यूनिट्स स्क्रैप्ड एंड सोल्ड बोल रहा है ना क्वेश्चन में. 5,000 units have been scrapped. Scrapped unit have been completely processed and realized at the rate of rupees 5. It means by cash 4,000 and 20,000. जो पर्सन आपका एबनॉर्मल लॉस भी खरीद रहा है, he is not concerned, right? लॉस के लिए he is not concerned. वो आपको क्या पे करेगा? At the rate of 5. It means by cash account 1,000. 5,000 and by costing P&L account is 12,000. By costing P&L account आपका कितना हो जाएगा बोलो? 12,000. This is your complete sum. बताइए मुझे, एक्चुअल लॉस का मतलब होगा आपका, नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस. एक्चुअल लॉस का मतलब आपका होगा नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस, और एक्चुअल लॉस का मतलब आपका होगा नॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन. यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? स्टार्टिंग से अगर अपन देखेंगे क्वेश्चन को, पहला आपको क्या है ये इन्फॉर्मेशन आप लिख लीजिए, तो कभी भी आपका मिसिंग फिगर का प्रॉब्लम नहीं होगा. सबसे पहला पार्ट आपका वर्किंग नोट, के बाद आपका स्टेप नंबर 1 सेम फॉर्मेट मेरा चलेगा, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. देन उसके बाद आपका स्टेप नंबर 2 कॉस्ट पर यूनिट, स्टेप नंबर 3 आपका रहेगा वैल्यूएशन, और स्टेप नंबर 4 आपका रहेगा प्रोसेस अकाउंट. सही है सोना फ्रेंड्स? आर यू फॉलोइंग ऑन ऑल प्लीज? ओके फ्रेंड्स, ऑल राइट. अब मैं आपको वापस कराता हूँ. मैंने आपको क्या बताया था कि एक्चुअल लॉस इक्वल टू नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस. मीन्स टोटल लॉस हमारा 5,000 था, उसमें से 4,000 आपका क्वेश्चन नंबर 1 में बोलो, 4,000 आपका नॉर्मल था प्लस 1,000 आपका एबनॉर्मल था. अब मैं आपको लेके चलता हूँ फ्रेंड्स योर क्वेश्चन नंबर 2. Page number 40 from question book, and question number 2 page number 7.12 from solution book. Say yes or no. Question number 2 question book में 40 पे दे रखा है, solution book में 7.12 दे रखा है, right? Are you getting or not friends? आराम से रीड कर लीजिए. During a month 8,000 units were introduced into process. The process cost for the month amounted to direct material 76,000, direct labor 42,900, production overhead other particulars are given. Production overhead 26,400 and other particulars are given. Normal loss 10% of the input. Unit processed and transferred to process 2 is 5,000. Unit scrapped is 600. 2,400 with incomplete, and the stage of completion these units were estimated to be material 100%, labor and overhead 75%. Unit scrapped have a realized market value of rupees 5. Find out equivalent production average cost per unit and prepare the necessary accounts. Same method ekdam na, exactly same. This is your working note number 1 and Right now we are in process 1. This is your process 1 where there is a input. What is your input is 8,000 units. Out of this there is a 10% of 8,000 is 800. Expected output 8,000 less 800 is 7200. Out of this closing WIP, what is your closing WIP is 2400. Material, labor, overhead, completion percentage 100, 75. It means expected finished goods is 4800 units, but actual में हमें मिल रहा है is 5000 units, and that's why there is a abnormal gain of 200 units. Say yes or no friends. हमारा process 1 है. Process 1 में there is a input of 8000, normal loss 10% of 8800, expected output 7200, closing WIP 2400, material 100, labor and overhead 75, expected finished goods 4800, actual 5000, and that's why there is a abnormal gain of 200 units. Say yes or no friends. Perfectly clear or no? प्रॉपर ये अगर आपने कर लिया ना तो कभी भी आपका मिसिंग फिगर वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आराम से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा. अगर मिसिंग फिगर वगैरह का भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो वो फटाक से आपका सॉल्व हो जाएगा करके ना. आर यू गेटिंग ऑन नॉट फ्रेंड्स? परफेक्टली क्लियर बनाए. सो दिस इज व्हाट योर स्टेटमेंट शोइंग. All right friends, now you go. Step number 1. Statement showing equivalent production. Input, particulars, output, material, labor, overhead, percentage quantity. Input 8000. What is your input? Your input is 8000 units. Say yes or no friends. What is the finished goods? Finished goods 5000. किसी भी goods को हम लोग finished goods का बोल सकते हैं. 100% complete in case of material, 100% complete in case of labor, and 100% complete in case of overhead. Then there is a closing WIP 2400. What is the completion percentage of closing WIP? 100, 2400. But in case of labor and overhead, 75%. So 2400 into 0.75, 1800 and 1800. Then there is a नॉर्मल लॉस, व्हाट इज योर नॉर्मल लॉस, 10%, इट मीन्स 800। अब ऐसे देखने जाएंगे तो इनपुट 8000 बट आउटपुट 5000 प्लस 2400 प्लस 5000 प्लस 2400 प्लस 800 इज 8200, 7400, 6800, 6800. दिस इज वॉट योर एक्चुअल। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नॉर्मल। अगर हमने 8000 डाला है तो हमें आउटपुट भी कितना चाहिए, 8000 माइनस देयर इज ए एबनॉर्मल गेन। व्हाट इज द गेन, 200, 100% ऑफ 200, 100% ऑफ 200, 100% ऑफ 200, इट मीन्स आपका 8000, 7200, 6600 एंड 87200, 6600। सही है सोना फ्रेंड्स, बोलिए स्टेटमेंट शोइंग दिस इज योर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, material, labor, overhead, 8000 input, finished goods 5000, 100% 5000, 100% 5000, 100% 5000, closing WIP 2400, 100%, 75%, 75, normal loss 800, 8200, 7400, 6800, less abnormal gain 200, 100%, 200, 100, 8000, 7200, 66 and 6600. Say yes or no. Our objective is not to find out what is the cost of production. Our objective is to find out what is the normal cost of production. अगर आपको ये नहीं भी लिखना है, टोटल नहीं करना है, तो आप इसको उड़ा सकते हो करके ना। Say yes or no. आपका abnormal gain हो जाएगा। Okay? Then you go. This is your step number 2. Statement showing cost per unit. Materials total cost, equivalent production, cost per unit. How much is the material cost? मटेरियल कॉस्ट इज 76,000, नॉर्मल रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जामिनर को पता चलेगा यू आर फ्रॉम दानी की कॉस्टिंग, राइट। नॉर्मल लॉस, अब एक्चुअल में लॉस आपको 600 हुआ है क्योंकि लॉस 800 हुआ है और आपको एबनॉर्मल गेन कितना हुआ है, आपको 200 हुआ है, तो एक्चुअल स्क्रैप्ड जो हुआ है, एक्चुअल जो यूनिट्स हुई हैं वो 600 हुई है। लॉस आपको 800, दिस इज योर नॉर्मल लॉस। मैंने आपको क्या बताया, एबनॉर्मल गेन है, माइनस करिए तो आपको 600 मिलेगा। लेकिन हम लोग किसका रियलाइजेशन लेंगे, 800, बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट मीन्स 800। नाउ What is the realizable value? 5 rupees per unit. It means 4,072. Labor overheads, right? Labor 42,900 and overhead 26,400, divided by equivalent production 7200, 6600 and 6600, 10 rupees per unit. 42,900 divided by 6600, 6.5. 26,400 divided by 6600 is 4. So yes, no. This is your statement showing cost per unit, material 76,000, realization from normal loss. नॉर्मल लॉस का लेंगे, एक्चुअल लॉस 600 है, एक्चुअल लॉस 600 है लेकिन लेंगे किसका, नॉर्मल का. लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट 42 दिस डिवाइडेड बाय दिस आपका cost per unit. Perfectly clear out. Then very simple, this is your step number 3. Statement showing valuation. Finished goods, quantity, cost per unit, total, material, labor, overhead. WIP, closing, material, labor, overhead, and abnormal gain. Okay, what is the finished goods? What is the labor? WIP 2400. 1800. What is the abnormal gain? 200 into your cost per unit will be 10, 6.5 and 4. 10, 6.5 and 4. 10, 6.5 and 4. 10, 6.5 and 4. Say yes or no. Then 50,000, 5,000 into 6.5. 32,500, 5,000 into 4, 20,000. 50, 32,500, 20, 1 lakh, 2,500. Say yes or no. Then 24,000, 1,800, 6.5, 11,700. 1800 into 4, 7200. 24, 11,700, 7200, 42,900. Then 2,000, 1,300, 800. 2,000, 1,300, 800 is 4100. ये क्लियर हुआ. This is what your valuation of finished goods, valuation of WIP, closing and abnormal gain, and then you prepare the process account. This is your process 1 account. Two, material, to labor, to ओवरहेड 76,000 42,900 26,400 इनपुट 8,000 बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट बाय क्लोजिंग WIP बाय नॉर्मल लॉस बाय फिनिश गुड्स ले लेते हैं बाय फिनिश गुड्स अकाउंट बाय WIP account and 2 abnormal gain of 200 का वैल्यू था 4100 नॉर्मल लॉस 800 वैल्यू था 4000 फिनिश गुड्स 5000 वैल्यू था 1,02,500 2400 एंड वैल्यू है अपना 42,900 देखो निकाला था ना आपने 42,900 4100 102,500 8,200 8,200 76 42,900 26,400 4100 149,400 149,400 4,000 102,500 42,900 149 नॉर्मल लॉस अकाउंट एबनॉर्मल गेन अकाउंट टू प्रोसेस वन अकाउंट ये जो फिनिश गुड्स है वो कहाँ चला जाएगा प्रोसेस टू के अंदर बाई प्रोसेस टू भी लिख सकते हैं वहाँ पे करके ना टू प्रोसेस अकाउंट बाई प्रोसेस वन अकाउंट 200 4100 800 4000 मैंने आपको क्या बताया रूल पहले आपको एब्नॉर्मल गेन को एडजस्ट करना पड़ेगा बाई एब्नॉर्मल गेन अकाउंट बाई कैश अकाउंट एब्नॉर्मल गेन 200 तो एक्चुअल लॉस आपका कितना बिकेगा 600 एक्चुअल स्क्रैप्ड कितना है 600 वही तो मैंने आपको बताया था करके इट मीन्स 1000 एंड 3000 two normal loss account 200 1000 two costing P&L account 3100 that's it सब आपको तो दे रखा है करके ना अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ओपनिंग WIP है फिर ओपनिंग WIP अपन देखेंगे फीफो है तो क्या लीफो है तो क्या वेटेड एवरेज है तो क्या और लीफो कॉस्टिंग में है ध्यान रखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं है लीफो लेकिन कॉस्टिंग के मॉड्यूल में है बहुत सारे प्रोफेसर बोलते हैं लीफो इज नॉट देयर लीफो इज देयर आप देखिए जरा मटेरियल टॉपिक में भी सिखाऊंगा आपको करके ओके तो नेक्स्ट में अपन वो कर लेंगे लीफो फीफो वेटेड एवरेज के हिसाब से अपने वो क्या करना चाहिए ओके चलो थैंक यू।